Come to the Archimedean property of real numbers. Actually, Archimedean property says that if A and B are any two positive real numbers, then there exists a positive integer, Focus on these words. Positive integers such that n is greater than b. भैया a और b कोई भी नंबर है, मान ली कि आपने 10 ले लिया, b आपने 100 ले लिया, है ना? तो मेरे पास एक ऐसा इंटीजर है कि जिसमें मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, लाओ मेरे पास 100 एक इंटीजर है, मैं इसे मल्टीप्लाई करके इसे बड़ा कर दूंगा. ऑब्वियसली है, देयर एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट, है ना? अगर आप कहेंगे नहीं नहीं साहब, यहाँ पे 1000, यहाँ पे मैं तो 100 टू द पावर 100 लेना चाह रहा था. हमने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक इंटीजर है 100 टू द पावर 101, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, उसकी ऐसे बड़ा कर देगा. तो देयर एग्जिस्ट ऑलवेज इंटीजर्स. अगर आप ए में उसे, अगर ए बी से बड़ा, तो तब तो कुछ कहना है ही नहीं, तब तो बहुत ऑब्वियस हो गया. मामला तो तब का बनता है जब ए आपका, अगर ये ए आपका लेस देन बी है, तब मेरे पास एक ऐसा इंटीजर मिलेगा, ऐसा इंटीजर है कि मैं उस एन की, उस इंटीजर की ए मल्टीप्लाई करूं और वो उसे बी से बड़ा कर दे. ये है, ये प्रॉपर्टी कहती है आपकी. और छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. हम भी जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल होता है कि हमारे पास एक ऐसा इंटीजर लाइक करेगा, पॉजिटिव इंटीजर, जिससे हम ए मल्टीप्लाई करके उसे बड़ा कर देंगे बी से, चाहे वो ए से बी से छोटा ही क्यों ना हो. अच्छा, इसका दो लाइन का प्रूफ भी है, प्रूफ देख लेते हैं इसका. चलिए हम क्या मान लेते हैं कि इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं. हम मान लेते हैं कि एन इज ग्रेटर देन बी नहीं है, है ना? मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल एन ए इज नॉट ग्रेटर देन बी. भैया एन ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब एन ए जो होगा वो लेस देन बी होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. ये तो होगा. इसका मतलब क्या होगा कि एन ए जो होगा वो लेस देन बी होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? जो एन ए है, एन ए का जो सेट है, कोई अगर मैं इसको एक सेट बना लूँ एन ए का, सच दैट एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना? और क्या हो गया, ये आपका बाउंडेड हो गया. बाउंडेड बाई किस किस से हो गया? बी से बाउंड हो गया. हो गया नहीं हो गया? ये सेट आपका बाउंडेड हो गया. और अगर ये सेट बाउंडेड हो गया तो इसका एक बाउंडेड अबव हो गया. बाउंडेड अबव हो रहा है यहाँ पे, मेरे बाउंडेड अबव हो गया तो इसके पास एक सुप्रीम भी हो गया. मान लीजिए आप सुप्रीम, मान लीजिए अपने एम है, क्योंकि बाउंडेड अबव है तो इसके पास क्या होगा, एक सुप्रीम भी होगा. और सुप्रीम है तो इसका मतलब क्या है कि एन ए इज लेस देन और इक्वल्स टू एम. एन ए इज लेस देन इक्वल्स टू एम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. ये सुप्रीम है ना सेट का, तो सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एम से तो छोटे होंगे, इसके बराबर होंगे, ठीक है? और वही कह रहा है कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है? तो जब इसके लिए है तो एन प्लस वन इंटू ए के लिए भी लेस देन एम होना चाहिए. सारे के लिए बात करें ना, और वन के प्लस वन के लिए, प्लस टू के लिए भी लेस देन एम होना चाहिए. चलिए, दिस इंप्लाइज दैट एन ए इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सोल्व करूं, एन ए प्लस ए, प्लस ए को मैं इधर ले आता हूं, एम माइनस ए. तो ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव. ये कह रहा है कि साहब एन ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू सारे एन ए, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. एन ए क्या है, एम माइनस ए से भी छोटा है, यानी कि एम माइनस ए भी इसका सुप्रीम बन गया. और सुप्रीम क्या होता है, यूनिक होता है. ध्यान रखना, सुप्रीम क्या होता है किसी भी सेट का, यूनिक होता है. ये भी हम प्रूव करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि सुप्रीम ऑफ द सेट इज यूनिक, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता है. और ये क्या क्लेम करने लगा कि साहब मेरा ये भी सुप्रीम है, ये भी सुप्रीम है, इट इज नॉट पॉसिबल, विच इज कंट्राडिक्शन. इसका मतलब क्या है कि जो आप एन ए इज लेस देन बी लेके चले थे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव, वो क्या है, एन ए इज लेस ग्रेटर देन बी है, लेस देन बी नाम पर थी. तो ये इसका प्रूफ था, वो सिंपल सा प्रूफ है. इसके ऊपर छोटी छोटी कोरिलेटिव भी आती है, जैसे किसी ने कहा कि आर्किमिडियन साहब ने ये कह दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि, किसी ने कहा कि साहब आप ये क्यों ले रहे हैं, ए एक पॉजिटिव नंबर ले लो, पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, और बी आप कोई भी नंबर कह दो, एनी नंबर, एनी नंबर, यानी कि बी आपका
एनी नंबर बी, बी आपके कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो तब तो फर्स्ट क्लास ये होल्ड ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बी नेगेटिव है, अगर बी पॉजिटिव है तो तब के लिए आपके पास एक ऐसा एन एग्जिस्ट कर जाएगा कि एन इज ग्रेटर देन बी। अच्छा तब के लिए तो वन ही काम कर जाएगा, इनकी वैल्यू पॉजिटिविटी है वन ही काम कर जाएगी आपकी, है ना। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो बी आपका कुछ भी हो, आइदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। ये कोरोलरी करके कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं बाद में। अच्छा एक कोरोलरी ये भी है कि साहब अगर कोई आपका एक नंबर एफ शायला है, वो कोई भी नंबर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है ना, तो भाई यहाँ पे तो मेरे हिसाब से दो नंबर मिल गए, एक तो नंबर ए ही हो गया और मैं बीस को ट्रीट कर दूंगा, है ना, बीस को ट्रीट कर लेंगे। तो एक ऐसे इंटीजर मेरे पास मिलेगा जो क्या कर देगा, वन अपॉन एन इज लेस देन एफ शायला होगा, वन अपॉन एन क्या होगा लेस देन एफ शायला होगा, यानी कि एफ शायला से भी छोटा मैं ले आऊंगा, है ना, एक ऐसा इंटीजर मेरे पास मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। अगर मैंने एफ शायला क्या ले लिया, अगर मैं कहता हूँ मैंने एफ शायला एक ले लिया वन अपॉन टेन टू द पावर टेन, तो मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है टेन टू द पावर इलेवन, वो क्या हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन टेन टू द पावर इलेवन लेस देन हो जाएगा वन अपॉन टेन टू द पावर टेन, ठीक है। तो छोटी छोटी सी एनालिसिस है, ये आपका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर है। इसी में चलिए हम एक रिजल्ट और स्टडी कर लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए सेट इज यूनिक, जो सुप्रीमम होता है किसी भी सेट का वो यूनिक होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक। तो सुप्रीमम ऑफ अ सेट इज यूनिक, आपने किसी सेट का सुप्रीम यूनिक मान लिया, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ में क्या मान लेंगे, एक सेट एस मान लेंगे आप, ठीक है, एक सेट एस मान लेंगे जिसमें सेट एस मान लेंगे और उसे कह देंगे आप बाउंड्री डबल है, क्या है आपका बाउंड्री डबल, क्योंकि बाउंड्री डबल होगा तभी उसके पास सुप्रीम होगा, ध्यान रखना, है ना। एक सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है ना, एक्स टाइप के एलिमेंट है और वो बाउंड्री डबल सेट है, मान लेते कि उसका सुप्रीम यूनिक नहीं है, दो सुप्रीम उसके एम और एम डेक्स है ना, दो सुप्रीम उसके एक एम है और एक एम डेक्स है। भैया ये एम अगर सुप्रीमम है, पहली बात दोनों सुप्रीम है तो दोनों अपर बाउंड भी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं दोनों ही होगी अपर बाउंड, क्योंकि एवरी सुप्रीम इज द अपर बाउंड, दोनों अपर बाउंड होगी सेम सेट के। अगर मैं एम को सुप्रीम मान के चलता हूँ, एम को अगर मैं कहता हूँ कि एम सुप्रीम है, तो भैया एम क्या होगा, एम डेक्स से बड़ा होगा और इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि एम को इस बार मैंने सुप्रीम माना तो सारे, अच्छा एम को सुप्रीम मान रहा हूँ ना, तो सारे अपर बाउंड में छोटा होगा वो, तो एम डेक्स अपर बाउंड है, एम बी अपर बाउंड है, ठीक, तो वो एम डेक्स से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, यानी कि अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट है, अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट है वो होगा सुप्रीम, अगर मैं एम को मान के चलता हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि एम डेक्स सुप्रीम है मेरा, अगर एम डेक्स को सुप्रीम कहता हूँ तो एम डेक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू एम होगा। तो अगर दोनों को ही सुप्रीम एक साथ कह रहा हूँ तो दोनों इसके दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों एक साथ होल्ड करेंगे, और ये दोनों एक साथ होल्ड कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एम डेक्स इक्वल्स टू एम, यानी कि दोनों अलग अलग कभी नहीं हो सकते, यूनिक ही है ना, सुप्रीम ऑफ द सेट इज यूनिक। सो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विच will be on the Dedekind cut. So see you in the next class. Thank you very much.